Hey guys! वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सरसों के तेल के पुरुषों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कैसे पुरुषों को लिंग पर इसकी मसाज करनी चाहिए और क्या इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो गाय सरसों का तेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है इसमें न केवल ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स फैटी एसिड पाए जाते हैं बल्कि इसमें विभिन्न विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं इसमें सोडियम पोटाशियम फॉस्फोरस और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और विटामिन ए भी थोड़ा बहुत इसमें मिलता है दोस्तों सरसों के तेल में एक ख़ास किस्म का तत्व होता है जिसको एरियोसिक एसिड बोला जाता है जिसकी वजह से इस तेल की तीखी गंध आती है ये एक प्रकार का ओमेगा सिक्स फैटी एसिड होता है कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि एरियोसिक एसिड हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है और इसी वजह से काफ़ी लोग सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात को नकार चुके हैं कि जितनी मात्रा सरसों के तेल में इस तत्व की पाई जाती है उससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है सरसों के तेल का खाने में व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता है क्योंकि इसको दूसरे वेजिटेबल ऑयल से अच्छा माना जाता है जैसे कि सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी के तेल पर इसको तरजीह दी जाती है और उसकी वजह यही है कि ये दिल के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसमें पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फ्रेंड्स सरसों का तेल न केवल खाने में फ़ायदेमंद होता है बल्कि अगर इसकी बॉडी पर मसाज की जाए तो स्किन को भी फ़ायदा मिलता है मसल्स को फ़ायदा मिलता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं यही वजह है कि बड़े पैमाने पर जो लोग बॉडी बिल्डिंग हैं या मांसपेशियों को मजबूती देना चाहते हैं वो तो अपनी बॉडी पर सरसों के तेल की मालिश करवाते ही गाइज़ इससे पहले वीडियो में और आगे बढ़े थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में ये जो आप टेबल पर देख रहे हैं ये हैं पीनिस वैक्यूम पंप्स, जिनका इस्तेमाल पीनिस में तनाव बढ़ाने और साइज़ गेन करने के लिए किया जाता है आप देख सकते हैं टेबल पर दो तरह के वैक्यूम पंप रखे हुए हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें ऑटोमेटिक वैक्यूम जनरेटर पंप लगा हुआ है और ये बैटरी ऑपरेटेड है आपको बटन प्रेस करने होते हैं और वैक्यूम क्रिएट और रिलीज हो जाता है और ये दूसरा मैनुअल पंप है जिसमें आप अपने हाथ का इस्तेमाल करके निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल पर रखने पर इसकी ट्यूब फिक्स नहीं हो रही है लेकिन जब इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है तो ये टेबल पर पकड़ बना लेती है गाइज ऐसा माना जाता है कि पीनिस वैक्यूम पम्प इलेक्टाइल्ड फंक्शन में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से खासतौर से मेल ऑर्गन की मोटाई बढ़ती है और मोटाई ही वो वैल्यू होती है जो सेक्शुअल प्लेजर में सबसे ज़्यादा मायने रखती है फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या सरसों के तेल की लिंग पर मसाज करने से लिंग को कोई फायदा मिल सकता है क्या सरसों के तेल की लिंग पर मसाज करने से लिंग में कठोरता बढ़ती है क्या सरसों का तेल अगर पीनिस पर मला जाए तो उससे पीनिस की लंबाई और मोटाई बढ़ सकती है और तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सरसों के तेल की लिंग पर मसाज करने से शीघ्र पतन या वीर्य के जल्दी गिर जाने में भी कोई फ़ायदा हो सकता है इन सवालों के जवाब के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सरसों के तेल की लिंग पर मसाज करने का क्या तरीका होना चाहिए और क्या इसके लिंग पर मसाज करने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं सबसे पहली बात कि क्या सरसों के तेल की लिंग पर मालिश करने से लिंग में कड़ापन आता है क्या लिंग में कठोरता बढ़ती है हाँ दोस्तों बिल्कुल अगर इस तेल की रेगुलर आ, मसाज पीनिस पर की जाए तो पीनिस के ऊपर फैली हुई जो बारीक शिराएं होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसके कारण लिंग में तनाव की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्तेजना के समय लिंग में कठोरता बढ़ सकती है अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सरसों के तेल की मालिश से लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ सकती है वेल well, सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से लिंग की लंबाई और मोटाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हाँ ऐसा हो सकता है कि जब लिंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसमें कठोरता अधिक आती है तो उस समय उसकी लंबाई और मोटाई थोड़ी बहुत बढ़ सकती है लेकिन पर्मानेंट रूप से ऐसा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि क्या सरसों के तेल की लिंग पर मालिश से शीघ्र पतन में कोई फ़ायदा मिल सकता है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो कि सरसों के तेल को लिंग पर लगाने से वीर जल्दी नहीं निकलता है या शीघ्र पतन होता है कुल मिलाकर सरसों के तेल की मालिश से शीघ्र पतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चलिए अब बात कर लेते हैं कि सरसों के तेल की लिंग पर मालिश कैसे करनी चाहिए सरसों का तेल हो या कोई भी लिंग पर मालिश के लिए चुना गया ऑयल हो सभी को पीनिस पर लगाने का एक ही कॉमन सा तरीका होता है और वो होता है कि आपको एक हथेली पर ऑयल लेना होगा और उसे अच्छी तरह से लिंग और उसके चारों तरफ जो भाग होता है उस पर लगा लेना होता है उसके बाद आपको अंगूठे और उसके बराबर वाली उंगली को मिलाकर ओके की शेप बनानी होती है और पीछे से आगे की तरफ लिंग की मसाज करनी होती है लगभग पाँच मिनट तक आपको लिंग की मालिश ऐसे ही करनी होती है और उसके बाद आपको किसी साफ कपड़े से पीनेस को साफ़ कर लेना होता है एक घंटे बाद आप लिंग को साबुन से धो सकते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टू वीडियो गाइज़ आई होप आप सभी को वीडियो और वीडियो का कॉन्टेंट पसंद आया होगा मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आगे के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी मैं चलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी तब तक आप अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग